अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप देख सकते हो कितना टेस्टी समोसा बना था ना। चलो बताती हूँ, बहुत इजी है। बस इसका जो आटा जो हम सानते हैं ना, वो बहुत हार्ड डो होता है, एकदम हार्ड होता है। देखो कितना हार्ड है। इसको अच्छे से ढककर रख दो थोड़ा सा तेल लगा के। उसके बाद चलो मैं आगे आपको रेसिपी बताती हूँ। हल्का सा कुटा धनिया, जीरे को थोड़ा लाल कर लेना है तेल में, और इसमें हमें कूटी वो जो मिर्ची होती है ना, हरी मिर्ची और अदरक, उसको पानी के साथ नहीं पीसना, ऐसे नॉर्मल चलाना है। वो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। बहुत अच्छा स्वाद आया था, मुझे यकीन नहीं हुआ कितना टेस्टी समोसा मैं बना सकती हूँ। फिर जीरे को हल्का सा लाल करके उसको भून लेना है, और सूखी मिर्ची ऐड करना है, और अमचूर जो होता है ना वो एक चम्मच लेना है आपको, अमचूर पाउडर, और हल्दी आधा चम्मच से भी कम लेना है। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख दो। लेकिन इसका जो आटा है ना, उसको देखो मैं ऐसे गोल गोल करके इसको एक तरह से जो पेड़ा कटता है ना, इसे छुरी से आपको डिवाइड कर देना। इसको वो राउंड राउंड आटे की तरह बिल्कुल नहीं बनाना है। ये करने के बाद मैं इसको अच्छे से गोल, बहुत ही मतलब हार्ड था ये आटा सानने टाइम पे। आप जब बेलोगे ना, जब बहुत ताकत लगने वाली है, प्रॉमिस। लेकिन बहुत टेस्टी बना था। एक होता है ना, मेहनत रंग जब लाती, जब हमारा रिजल्ट सक्सेस होता है। और वाकई हमारा समोसा है, होटल जो हम लेने जाते हैं ना रेडीमेड की तरह जो लगता है, वैसे सेम था, बस टेस्ट उससे ज़्यादा दुगना बहुत अच्छा था। क्योंकि घर में बनाई हर चीज़ अच्छी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और देखो कितना इजी है ना, उसमें आराम से उसको मतलब आप लपेट लो, पानी ही यूज़ करना है, तेल का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद देखो मैंने ऐसे कोने पे एक टक्स दे दिया है, उसको अच्छे से मैंने मसाला भर के ऐसे बैंड कर दिया है। लग रहा है ना एकदम होटल की तरह समोसा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ मैं ये बना ले रही हूँ। और साथ में मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वीडियो बनाना था ना, मैं हमेशा बेलते हुए आपको मतलब नहीं ले पाती हूँ। तो आज संडे था तो उसकी छुट्टी थी, तो मैंने बोला आप एक दो करो ऐसे, मैं थोड़ा वीडियो ले लेती हूँ। एटलीस्ट थोड़ा तो वीडियो में दिखना चाहिए, बेलते कैसे, आटे को सानते कैसे। मैं पूरा रेडी होने के बाद लेती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है फोन से उतना ज्यादा मुझसे। उसके बाद देखो एकदम स्लो आंच में बनना चाहिए आपका, मीडियम फ्लेम ही रहना चाहिए। मीडियम फ्लेम रहता है ना तो कैसा है कि समोसा एकदम क्रिस्पी और एकदम होता है ना कि खसखस वैसे टाइप का बनता है। अगर आप फास्ट बनाते हो तो प्रॉमिस वो बन जाएगा, कलर आएगा, लेकिन आफ्टर वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। आपको बिल्कुल फास्ट नहीं बनाना है। आपको लग जाएगा 15 मिनट, लग जाएगा 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको स्लो फ्लेम में ही बनाना है, फास्ट में बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना हमारा समोसा खराब हो जाएगा। वो तो मुझे पहले से पता था कि ये स्लो फ्लेम में ही बनता है, तो मैंने वैसे ही बनाया, तो समोसा एकदम बहुत ज्यादा अच्छा बना था, आप देख सकते हो। साथ में मैंने आलू का भजिया, कांदे की भजिया, और नमक पारा बनता है ना, इसका जो आटा बचा था उसका मैंने नमक पारा बना दिया, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। थैंक यू।